यहाँ पे देखो इस टाइप का कुछ बनाया हुआ है, इस टाइप का सबको बैठा के ज्ञान बांटा जाता था यहाँ पे। ये यहाँ पे एक बैठे, वहाँ पे एक बैठे। तो गाइस ये एंटर हो चुके हैं। व्हाट इज अप पीपल, दिस इज एक्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस आप लोग ड्रेस सेम देख रहे हो क्योंकि डे भी सेम है। इससे पहले वाला व्लॉग हम लोगों ने मंदिर पे गया, सारा पूजा पाठ कंप्लीट करके सारा चीज़ एंड कर दिया, नहीं तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। और अभी हम लोग फिलहाल आए हैं बुद्धिस्ट टेम्पल पे। यहाँ पे वाराणसी पे एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, वहाँ पर आए, बस इधर है वो। तो फिलहाल हम लोग टिकट काटेंगे। टिकट आई थिंक ऑनलाइन हम लोग कटिंग करवा चुके हैं। तो इधर पहले खाएंगे हम लोग झालमुड़ी, ये खाने के बाद जाएंगे अंदर, तो आप लोग को सारा चीज़ मैं दिखाऊँगा। चलो पहले तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बुद्धा पार्क में, जिससे बुद्धा मॉन्यूमेंट बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारा, ये देख रहे हो, देख रहे हो गाइस कितना सारा मॉन्यूमेंट। तो गाइस देख सकते हो ये सब सारा मॉन्यूमेंट। और उधर कुछ एक बड़ा सा है, उधर भी चलेंगे लेकिन पहले इधर घूम लेते। बाहर बोला था वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन कोई सीन नहीं देखते, सब कोई फोटो वोटो यूज़ कर रहा है, फोन वोन यूज़ कर रहा है। देखते चलते और भी कुछ आप लोगों को दिखाते। गाइस ये है अशोक स्तंभ जो आप लोगों ने अभी देखा, इसे अशोक स्तंभ बोलते हैं। ये बहुत पुराना, मतलब बहुत पुराना। और इधर भी देखो कितने बने इधर, कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा इधर बना हुआ स्तंभ। देख रहे हो गाइस आप लोग क्या खूबसूरत है। तो यार थोड़ा बहुत हम लोग का घूमना फिरना हो गया, यहाँ पे बस ये मॉन्यूमेंट ही दिख रहा है हमको, और कुछ दिख ही नहीं रहा। तो बस अभी निकलने का बारी आ गया, अभी चलेंगे। यहाँ पे एक नेपाली टेंपल है, मतलब आई थिंक भगवान बुद्धा का ही है, तो वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। चलते फटाफट यहाँ से निकलते, थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा देते कुछ कुछ। यहाँ पे देखो इस टाइप का कुछ बनाया हुआ है, ये सब जितना भी जगह देख रहे हो ना इस टाइप का बना हुआ है। तो यहाँ पे ज्ञान बांटता है, तो इस टाइप का सबको बैठा के ज्ञान बांटा जाता था यहाँ पे। ये यहाँ पे एक बैठे, वहाँ पे एक बैठे, ऐसे ऐसे करके आपको जितना भी दिखा सब में यही होता था, ज्ञान बांटा जाता था। सब मतलब जितने भी बुद्धिस्ट होते थे यहाँ पे बैठ के ज्ञान प्राप्त करते थे, कुछ ज्ञान बांटते थे। मेन यही था, तो बस यही है यहाँ का सीन। और यहाँ पे एक बड़ा सा यार फाइनली इधर का घूमना फिरना हो गया। अभी निकल रहे गेट से बाहर, तो चलो पहले गेट से बाहर निकल रहे, तब आगे का सीन देखते हैं। तो गाइस ये है बुद्धा टेंपल, यहाँ भी और एक बुद्धा टेंपल है, तो चलो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ बुद्धा टेंपल। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, बट खूबसूरत है बहुत। ये देखो इधर से भगवान बुद्धा दिख रहे हैं। देखा गाइस आप लोगों ने, और ये टेंपल देखो, फुल्ली पहाड़ वाला फील दे रहा है। बट एक मतलब नॉइज़ जो है ना, मतलब क्राउड की वजह से जितना नॉइज़ है वो, तो भाई पहाड़ वाला फील यहाँ पे नहीं आने वाला है। मेरे को पहाड़ ज़्यादा पसंद है, जैसे कि आप लोगों को पता है, मतलब
जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हो अभी, तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा फेवरेट हिल्स एरिया है। तो कभी कभी हिल्स छोड़ के भी कुछ कुछ जगह ऐसा है बहुत खूबसूरत, वो सब जगह भी एक्सप्लोर करना। तो बस आगे वाराणसी और आगे भी दो बड़ा बुद्धा का टेम्पल है, वहाँ पर चलेंगे। और यहाँ देखो फुल्ली चाइनीज स्टाइल में रेस्ट्रो, यहाँ तो जाएंगे नहीं अभी फिलहाल। तो गाइस ये एंटर हो चुके हैं दूसरे टेंपल पे, इधर देखो। यहाँ तो घूमना फिरना हो गया, आप लोगों ने भी देखा यहाँ का सीन बहुत अच्छा है। यहाँ वीडियोग्राफी अलाउड था, इसलिए मैंने वीडियोग्राफी किया और आप लोगों को दिखा पाया। तो चलो फटाफट से शूज पहनते। तो गाइस अब चलेंगे इस साइड, क्योंकि इधर आई थिंक भगवान बुद्धा का स्टैचू बना हुआ है। चलो इस साइड चलते, इस साइड का भी सीन आप लोग को दिखाते। तो गाइस ये था बुद्धा टेंपल, और यहीं पे आई थिंक भगवान बुद्धा ने 5 लोगों को फर्स्ट टाइम दीक्षा दिए थे। तो ये कुछ यहाँ का सीन है, यहाँ देखो लोग ही लोग भरे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दीपक वगैरह जलाया जाता है यहाँ पे देखो, और यहाँ प्रेइंग व्हील जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो अभी चलो चलते बाहर, हम लोगों ने यहाँ भी दर्शन कर लिया, भगवान बुद्धा का जो मूर्ति था उनका भी हम लोगों ने दर्शन कर लिया, अंदर पे भी दर्शन किया। अभी टाइम है और एक बुद्धा का टेंपल है वहाँ पे, देखते वो किधर है, अगर वो भी बचा होगा तो उसको भी कवर कर लेंगे आज हम लोग, क्योंकि कल का प्लानिंग हम लोग का कुछ और है। तो चलो चलते। तो यार फाइनली हम लोग मंदिर से बाहर निकल चुके हैं अभी फिलहाल रोड पे, और ये सब जो छोटा मोटा शॉप दिख रहा है आप लोग को, तो पहले इधर भैया लोग गया कुछ लेने के लिए, ले ले देखते क्या ले नहीं ले, भगवान जाने क्या ले रहा है, तो फटाफट ले यहाँ से फिर निकलेंगे। ये देख रहे हो ये जितना भी दिख रहा है ना सारा पत्थर का है, ये भी पत्थर का है, ये सब भी पत्थर का है। अजीब था, हमको लगा प्लास्टिक का, पकड़ के थी सारा पत्थर का है। क्या कारीगरी है, क्या इस कारीगर को मैं 2 लाख रुपए इनाम देना चाहता हूँ। बस देखो 280 रुपया इसका प्राइस है। तो गाइस ऑटो में बैठ गए, जाते जाते रास्ते में वड़ा पाव का दुकान देखा, बहुत दिन से खाने का मन था, ऑटो वाला रोका, वड़ा पाव ले रहे अभी अभी हम लोग खाएंगे। और ये रहा ऑटो, अभी खा के फटाफट बैठेंगे, ऑर्डर हो गया, अभी वड़ा पाव बन रहा है, इधर देख रहा हूँ, खाते फटाफट वड़ा पाव जो कि मुंबई का फेमस होता है। वड़ा पाव मुंबई जब गया था साला वड़ा पाव ही खाता था, सुबह उठा वड़ा पाव, शाम में भी वड़ा पाव, बाकी लंच और डिनर का तो अलग ही सीखा, खाते फटाफट वड़ा पाव। इधर देखो लाश जल रहा है कैसा, इधर देखो देख रहे हो कुत्ता कैसा चिल्ला रहा है।